नमस्कार, मैं हूं करण सिंह और आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, किसान हैं हमारे बीच में, उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह से जो उन्होंने फसल लगाया है, खीरे की फसल है, क्या प्रोसीजर है इसके और कितने समय में ये तैयार हो जाती है, किन किन बीमारियों से इसको बचाना चाहिए। ये सभी जानकारी आज हम किसान से लेंगे, खेत में उनके साथ मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे कि इस प्रकार से फसल को लगाने के लिए किन किन चीज़ों को करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? इस्लामुद्दीन नाम है। ये जो जाल लगाया है इसका क्या कारण है? इसमें बेल चढ़ेगी, ये वाली खीरा तैयार हो रहा है, जे चढ़ेगी इसके ऊपर। अच्छा, लेबर चढ़ाएगी इसके लिए ऊपर। अभी कितने दिन आपको लगाए हुए हो गए खीरे को? इसको हो गया करीब 20 दिन हो गया है। 20 दिन हो गए जी। अच्छा, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी पड़ती हैं खीरा को, कितने समय में कौन सी वैरायटी का आपने बीज लगाया है? ये दुर्गा खीरा है, ये 45 से 50 दिन में चालू हो जाता है। अच्छा जी हाँ। तो मार्केट में क्या रेट इसका मिल जाता है? रेट क्या मार्केट में, वो 10 रुपए से 15 रुपए तक, बस किलो के हिसाब से। किलो के हिसाब से बस इतने। अच्छा, शुरुआती दिनों में जब आप खीरा लगा रहे हैं तो शुरुआती दिनों में कौन सी खाद डालते हैं आप और क्या तैयारी रखते हैं, उस गड्ढे को कैसे खोदते हैं, कितने चीज़ों को उसमें उर्वरक वगैरह मिला के कीड़ा से बचाने के लिए क्या क्या तैयारियाँ करते हैं, जरा किसानों को बताएं जो इस वीडियो को देखेंगे किसान लोग, और वो क्या जानकारी आप उनको देना चाहते हैं? पहले इसमें गोला डालते हैं, गोला डालने के बाद में DAP फ्रेड वगैरह डाल के मिलाते हैं बढ़िया करके, उसके बाद में बीजा डाल के फिर तैयार होता है जी। अच्छा जी, कितने दिन के बाद जम जाता है फिर ये? ये 4थे 5वें दिन जम जाता है। अच्छा, अभी जो छोटा छोटा खीरा देखने में लग रहा है, पेड़ छोटा छोटा जम रहा है, ये कितने दिन में, ये जो जाल लगाया है आपने, ये किस चीज़ का जाल लगाया है? ये प्लास्टिक का है। अच्छा, उसको रोकने के लिए किन किन चीज़ों का? ये डंडा लगाने पड़ते हैं और तार भी है साथ में, फिर स्टेक लगाने पड़ती है चौगड़ा बाहर से, फिर प्लास्टिक पुरवाई जाती है ये, फिर चढ़ता है ये। तो इसमें कितनी लेबर लग जाती है? लेबर इसमें कम से कम, 3 बीघा खेत है ये, कम से कम लेबर लगेगी शुरू से आखिर तक 50 दिहाड़ी। तो 3 बीघा खेत में बीज कितने का लग गया? बीज इसमें लग गया करीब 4500 रुपये का। अगर हम इनकम की बात करें, क्योंकि देखिए सब किसान जब हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो हम इसलिए करते हैं कि भाई थोड़ा हमारे लिए इनकम हो जाएगा, और अगर हम जिस काम को कर रहे हैं तो अब किसानों के लिए आप अगर कोई 3 बीघा में या 1 एकड़ में कोई करना चाह रहा है खीरे की फसल, तो कितना उनको लागत लगेगी और कितना उनको मुनाफा हो सकता है? 1 एकड़ में कम से कम 40,000 रुपये खर्चा आता है लगाने का तैयार हो। अगर सही मार्केट में रेट मिल जाए तो कितने तक का बिक जाता है? मार्केट का तो ऐसा ही है, कभी मद्दा है तो कभी महंगा है, मार्केट का ये मसला है कभी। फिर भी बेनिफिट, फायदा हो जाता है? हाँ, फायदा होता ही, फायदा के लिए तो दुनिया करती है जी। अब हम बात करते हैं कि जो खीरा जब शुरुआती दिनों में देखा होगा टेढ़ा पड़ जाता है, तो वो कौन सी बीमारी लग जाती है और उससे बचाव क्या है? सूखने में फूल झड़ने लगता है, तो क्या क्या उसके उपाय हैं? वो घुमना की बीमारी होती है, जो बच्चा टेढ़ा होता है, पेड़ कमजोर होता है, इसलिए वो बच्चा टेढ़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं घुमना। घुमने की शिकायत से वो बच्चा टेढ़ा हो जाता है जी। तो उसको बचाव क्या है? दवाई लगती है और क्या बचाव, यही है, दवाई लगानी पड़ती है काटने से, कुछ ना कुछ दवाई हमारी वेलवेट है या और कोई है, ये दवाई लगानी पड़ती है। क्या नाम है भैया? इस्लामुद्दीन नाम है। हमारे साथ में इस्माइलुद्दीन, जो कि पीलीभीत में धनकुना गांव के हैं, और हम बात उनसे कर रहे थे कि खीरे की खेती को करने के लिए किसानों को किन किन चीज़ों का उपाय करना है, घूमने की जो घूमने जो खीरा घूमने लगता है, छोटा सा फूल झड़ने लगता है, तो ऐसी बीमारी के बचाने के लिए बीच बीच में छिड़काव भी करना है, और पूरी जानकारी जिस प्रकार से दी गई है कि एक खीरे की खेती को करने के लिए इन इन सावधानियों को किसानों को बरतना जरूरी है। जिस प्रकार से किसान से बातचीत हुई, आपने देखा इस वीडियो में कि खीरे की पैदावार के लिए, खीरे के खेती करने के लिए खीरा को कैसे उसकी तैयारी करना है, लगाना है, कितने दिनों में उसकी पौध तैयार हो जाती है और कौन कौन से उर्वरक उसमें डालनी है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली है। उसके बाद में आपने देखा कि तार फेंसिंग किया हुआ है बम्बूज गाड़ कर, और इस पर ऊपर जो है इनको चढ़ाया जाएगा पौधों के लिए, जिससे कि खीरे झामे के रूप में फिर इसमें लटकेंगे। जो जो बीमारियाँ लगती हैं वो भी बताया गया, किस प्रकार से खीरे में लगने वाली बीमारियाँ और उसके बचाव भी आपको बताए गए हैं। तो यदि आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से खीरे के संबंध में, खीरा की खेती करने के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अन्य किसानों को भी आप वीडियो के बारे में बता सकते हैं। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको जानकारी कैसी लगी है, और अपनी भी राय आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।